नमस्कार, प्रभासाची न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। भारतीय जनता पार्टी की जन्म विश्वास यात्रा आज गोरखपुर में आ चुकी है। गोरखपुर में पर्दापाड़ हो चुका। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार दिखाए पीछे का नजारा, क्योंकि जो रथ यात्रा है वो हम लोगों से बहुत करीब है। और जो आने वाली है, ये जो चौराहा है, इसको कचहरी चौराहा कहते हैं। इस जगह पे जनसभा भी होगा और भारतीय जनता पार्टी की लगातार काफी कार्यकर्ता आए हुए हैं यहाँ पे। मुख्य बात जो है, मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला जी का है, जिनका अभी संबोधन कुछ भोजन लोगों को मिलेगा। इसके साथ ही जो है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी का भी होगा। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, लोगों में उत्साह भी देखने को मिल सकता है। मैं चाहूंगा एक बार और दिखाएं पीछे का, किस तरीके से एक नए जोश नए उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास यात्रा का स्वागत है, वो अभिनंदन कर रही है। मैं दिखाना भी चाहूंगा, हमारे साथ जो है तमाम गाड़ियां हैं और इस तरीके से जन विश्वास यात्रा का लोगों लगा के लोग पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं और जन विश्वास यात्रा को एक नए विश्वास के रूप में उभरते हुए देखना चाहते हैं। दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे रवि किशन शुक्ला जी हैं, जो कि गोरखपुर के सांसद हैं। उसके साथ साथ जयप्रकाश निषाद जी हैं, राज्यसभा सांसद, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह है और तमाम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस जन यात्रा पर बैठे हुए हैं और लोगों का स्वागत है, अभिनंदन कर रहे हैं। इसके साथ ही जन विश्वास यात्रा आगे बढ़ेगी और आने वाले समय में बड़े नेताओं का संबोधन भी मिलेगा। जन विश्वास यात्रा गोरखपुर की धरती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगले जनपद, कितनी विश्वास मिलने वाली है? ये पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय है। योगी जी और मोदी जी के नीतियों में मोदी जी इस देश को विश्वास में लेकर के निरंतर काम कर रहे हैं। जनता के विश्वास के साथ खड़ा उतरने का काम 8 साल तक लगातार करते आ रहे हैं और 5 साल परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने अपने कार्यों को जनता के विश्वास के साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये जन विश्वास यात्रा जब से चला है 19 तारीख से, तब से अपार जन समूह इसका स्वागत करने के लिए, कहीं फूल मालाओं से स्वागत, कहीं उसका आरती करते हुए स्वागत, माताएं बहने, नौजवान, किसान, मजदूर, सारे लोग मिलकर के जन विश्वास यात्रा का जोरदार और भारी अपार समूह के साथ स्वागत करने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में 2022 में निश्चित तौर पर पुनः एक बार योगी सरकार वापस आएगी और 350 के पार जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जयप्रकाश निषाद जी, आप राज्यसभा सांसद ने बड़ी विभागी से अपनी बात आपने कह दी। जन विश्वास यात्रा जो कि आज गोरखपुर पहुंचा हुआ है, उनका कहना 19 तारीख से लगातार यात्रा चल रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है, और जिस तरीके से अपार जन समर्थन मिल रहा है, आगामी विधानसभा 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है और पुनः योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।